संसद के विशेष सत्र के तीसरे दिन आज नए स्पीकर के नाम का ऐलान होगा। बीजेपी की कद्दावर नेता सुमित्रा महाजन का स्पीकर बनना तय है। आज औपचारिक रूप से उनके नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। इसके साथ आज बाकी बचे सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। 16वीं लोकसभा के लिए आज नए स्पीकर का चुनाव किया जाएगा। बीजेपी सांसद सुमित्रा महाजन का स्पीकर बनना लगभग तय है। आज उन्हें सर्वसम्मति से स्पीकर चुन लिया जाएगा। इसके अलावा सरकार डिप्टी स्पीकर का पद जयललिता की पार्टी AIADMK को देने के पक्ष में है। आज बाकी बचे सांसदों को भी संसद में शपथ दिलाई जाएगी। बीजेपी की कद्दावर नेता सुमित्रा महाजन 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष होंगी। गुरुवार को सुमित्रा महाजन ने स्पीकर पद के लिए नॉमिनेशन फाइल कर दिया। 19 सांसद उनके प्रस्तावक बने। खास बात यह है कि दूसरे दल के नेताओं ने भी उनके नाम का समर्थन किया है। सुमित्रा महाजन लगातार 8 बार से इंदौर से सांसद चुनी गई हैं। वाजपेयी सरकार में वो मंत्री भी रह चुकी हैं। इस बार कांग्रेस विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन बीजेपी डिप्टी स्पीकर की कुर्सी AIADMK को देना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी इस बारे में AIADMK से बातचीत कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष और गैर NDA दलों को भी साथ लेकर चलना चाहते हैं। इसीलिए बीजेपी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन का पद ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को देने के पक्ष में है। गुरुवार को संसद में रिकॉर्ड 510 सांसदों को शपथ दिलाई गई। आज बाकी बचे 29 सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। गुरुवार को सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उसके बाद शपथ ग्रहण के लिए आडवाणी का नंबर आया। मैं लाल कृष्ण आडवाणी। तीसरे नंबर पर सोनिया गांधी को शपथ दिलाई गई। संसद में शपथ ग्रहण के दौरान देश की सतरंगी संस्कृति की झलक देखने को मिली, जहां मोदी आडवाणी सहित कई नेताओं ने हिंदी में शपथ ली। वहीं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, जल संसाधन मंत्री उमा भारती और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने संस्कृत में शपथ ली। गुजरात के सुरेंद्रनगर से बीजेपी सांसद देवजी भाई फतेहपुरा ने पारंपरिक नृत्य करके दिखाया। वारंगल से सांसद प्रोफेसर सीताराम भी पारंपरिक पगड़ी पहनकर आए। कीर्ति आजाद मिथिला के रंग में दिखे। 16वीं लोकसभा में 315 सांसद ऐसे हैं जो पहली बार लोकसभा पहुंचे हैं, इसलिए उनमें जोश और उत्साह होना लाजमी है। संदीप सोनवलकर के साथ मंजीत नेगी, इंडिया TV, दिल्ली।